हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, DFCC में वैकेंसी आ चुकी हैं, तो उसी का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो कि 2016 का है। आप डेट देख लो, डेट पड़ी हुई है, टेस्ट डेट 17/4/2016, Shift 1। ठीक है, तो इसका मैं पेपर लेके आया हूँ, आप देखिए वीडियो को पूरा। और ये देखिए DFCC IL, ठीक है, इसका पेपर है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो, ये तो टेक्निकल है, इसे बाद में देखेंगे, पहले नॉन टेक देखना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रसिया इज रिलेटेड टू मोरक्को इन द सेम वे फ्रांस इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार रसिया मोरक्को से संबंधित है, उसी प्रकार फ्रांस किससे संबंधित है, पेरिस से। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। इसी तरह रसिया की राजधानी क्या है, मोरक्को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समझो अच्छी तरह। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अ मैन वॉक 3 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। देखो ये क्या कह रहा है कि एक आदमी है और 3 किलोमीटर किसकी तरफ चलता है, पूरब की तरफ। 3 किलोमीटर पूरब की तरफ, ठीक है। टर्न देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही मूव्स 3 किलोमीटर। तो वो टर्न करता है लेफ्ट की तरफ, किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ता है अपने। तो लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की साइड, इस तरह मुँह है इसका, ठीक है, इस इधर की तरफ मुंह है। तो अब लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो कितना चला, 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। एंड आफ्टर हिज आफ्टर दिस ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर वो मुड़ता है दोबारा, ठीक है, फिर दोबारा कितना मुड़ता है, मुड़ता है इधर लेफ्ट की तरफ, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो पूछ रहा है कि अब वो जहाँ से चला था वहाँ से वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, 3 किलोमीटर मुड़ा, टर्न लेफ्ट किया और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। और उसके बाद फिर टर्न किया कहाँ, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और फिर 3 किलोमीटर चला। तो देखो ये 3 और ये 3 बराबर, मतलब इस सीध पे बिल्कुल होगा, ठीक है। और किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, कहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ये ऊपर की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है बताइए, ये हो गई उत्तर, मतलब नॉर्थ। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है ईस्ट, और ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है। नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो ऊपर की तरफ है इस पॉइंट से, तो कहाँ है, नॉर्थ की डायरेक्शन में ही तो है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, आइडेंटिफाई द सिमिलर सेट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स दिए हैं, इनको आइडेंटिफाई कीजिए, दो क्वेश्चन हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, 482, 496 और 526। तो देखिए क्या हो रहा है, 482 में हम कितने ऐड कर रहे हैं, 482, 492, 482, 492 और 496, मतलब पहले में कितने, 14 ऐड किए हैं, दूसरे वाले में 96 2 26, तो ये हो गया आपका कितना, 30। तो इसमें कितने किए हैं, 30 ऐड, मतलब पहले वाले में कितने ऐड हुए हैं इसमें, इन दोनों में, इसमें 14 का डिफरेंस है, इसमें 30 का डिफरेंस है, इस तरह देख लो। तो देखो इसमें क्या है, जो पहला वाला ऑप्शन है 334 और 348, 334 10, 300, तो देखो इसमें क्या है, 42 और 43 और 334 और 348, 334 से 344, ठीक है, 10 और 4 48, मतलब इसमें 14 का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें 14 का हो गया। और इस वाले में कितना हो गया, 48 2 78, कितना हो गया, 30। तो मतलब ए जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझो क्या है इसमें, कितने का अंतर है, 14 का, और इसमें 30 का। तो इसी तरह इसमें कितने का अंतर है, 14 का, और इन दोनों में 30 का, इस तरह से होगा।
ये देखो ये क्या है, ये एक सीरीज दी है और पूछा है जो मिसिंग टर्म है उसे बताइए, इस डैश की जगह क्या आएगा। तो देखो क्या आएगा, 5 और 4, 9, 9 और 4, नहीं 9 और 8, कितना हो गया 17। एक मिनट रुको, 9 और 8 कितना हो गया 17, और 17 और 16 कितना हो गया 33। तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसका मतलब इसमें क्या ऐड होगा 33 में, 33 में 32 ऐड होगा, 3 2 5, 3 3 6, मतलब 65। अगला जो टर्म आएगा वो 65 होगा, तो 65 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्या है। स्टूडेंट एक्स, कोई स्टूडेंट एक्स है, रैंक 5th फ्रॉम द टॉप, टॉप से उसकी रैंक कितनी है 5th है, ठीक है, एंड 19th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ये कह रहा है कि जो एक एक्स, मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई एक्स स्टूडेंट है जिसकी जो टॉप से रैंक है वो 5th है और जो बॉटम से रैंक है वो कितनी है 19, तो बताइए क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स क्लास में हैं। तो इसके लिए देखो ऊपर से कितनी है 5 और नीचे से 19, तो टोटल जो रैंक निकलेगी वो 23, जैसे 19 भी रैंक क्या है उधर से भी है और नीचे से भी, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 19वीं जैसे टॉप से 5th, तो 5th वाली कौन सी होगी जो नीचे से 19वीं है वही तो होगी सेम, तो इस चक्कर में कितना होगा 23, 19 और एक 20 21 22 23, मतलब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ऐड करेंगे तो हमारा 23 19 में, इस तरह से है। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें ये कह रहा है कि एम एन डेड डैश की जगह क्या रखा जाए कि ऑप्शन ये एक सीरीज टाइप की बन जाए, कुछ सीक्वेंस में बन जाए, जैसे एम, जैसे एम दिया है, एम दिया है पहला अक्षर, पहला जो वर्ड है वो एम है, दूसरा एन है, तो डैश की जगह तीसरा अक्षर आएगा ये, तो एम रखेंगे तो एम एन एम हो गया, फिर एन रखेंगे एन हो गया, एम एन एम और एन और फिर एम एन एन, ये डबल हो रहा है, यहाँ ट्रिपल एन हो जाएगा, ये एम एन और एम हो जाएगा, यहाँ डबल एम हो जाएगा, इस तरह से कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है। तो अगला ऑप्शन देखेंगे रख के, ठीक है, अगला ऑप्शन जैसे ही रखते हैं तो देखो ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया एन, ओके, ये दोनों एन एन हो गई, अगला एम, ये एम, ये डबल एन, डबल एम, डबल एन और फिर एम आ गया, तो डबल एम और डबल एन, तो देखो इस तरह से बनना है, 2N 2M, 2N 2M, इस तरह से बनना है, डबल डबल, ठीक है, डबल एम डबल एन डबल एम डबल एन, इस तरह से, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड TOUR इस कोडेड इस 1 2 3 4, इसको इस तरह से कोड किया जाता है और क्लियर को 5 6 7 8 4 एंड स्पेयर, तो इसको 90847, व्हाट इज़ द 5th डिजिट फॉर SCU, इसके लिए 5th डिजिट कौन सा होगा, ठीक है, अगर इन अक्षरों को इन वर्ड को इस तरह से कोड किया जाता है तो इसको भी कोड करेंगे तो इसमें पूछा है जो 5th डिजिट होगा 1S 1 2 3 4 5, मतलब जो P होगा उसका कोड क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है, तो पहले तो इनको देखो ये किस तरह से कोड हुए हैं, TOUR, टी कितने पे आता है 20 पे, तो इसका कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है, इस तरह देखो TOL, R कितना है 4, तो R इसमें भी 4 है, इसमें कुछ नहीं सिंपल कोड किया है, टी को 1 माना है, ओ को 2 माना है, यू को 3 माना है, आर को 4 माना है, इसी तरह इसमें देखो
आर को चार माना है, ओके। तो अब इसी तरह सम माना है, तो देखो इसमें क्या पूछा है, फिफ्थ अक्षर, तो पी, पी को क्या माना है देखते हैं। एस पी, पी को क्या माना है यहाँ पे देखो, एस पी, एस को क्या माना है 9, और पी को क्या माना है 0। तो एस यहाँ पे क्या पूछा है, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या है पी, तो पी को क्या मानेंगे 0। इस तरह से आंसर है। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, इफ पीस जो पी की माँ है वो क्यू की डॉटर है, एल इज़ द मटरनल आंट ऑफ पी एंड एम इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, देन हाउ इज एम रिलेटेड टू एल। तो क्या होगा, बी आंट, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो क्या दिया है, इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एच डी जी पी सी, वाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर शॉर्ट। तो देखो इसमें क्या है कि एफ आई आर, इधर देखो एफ कितने पे आता है हमारा 6 पे, तो 6 लिखो, ठीक है। आई कितने पे आता है, आई आता है 9 पे, 9 लिखो। आर कितने पे आता है 18, तो 18 लिखो। और ई कितने पे आता है 5 पे, तो 5 लिख दिया। इसी तरह ये डी कितने पे आता है 4 पे, तो 4। जी, जी कितने पे आता है, एफ जी 7, तो 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह पी कितने पे आता है 16 पे, तो 16 लिख दिया। इसी तरह सी कितने पे आता है 3 पे, तो 3 लिख दिया। तो देखो अब देखो क्या हो रहा है, 6 में से 2 गए 4 बचे, तो 2 माइनस हो रहे हैं। 9 में से 2 गए 7 बचे, 18 में से 2 गए 16 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे, मतलब 2 घटा रहा है ये, ठीक है। एफ जैसे डी ई एफ, ठीक है, 2 घटा रहा है, एफ में से 2 घटा रहा है, एफ में से 2, एफ 6 पे आता है तो डी 4 पे, आई 9 पे आता है तो जी 9 में से 2 गए 7 पे, आर 18 पे आता है तो पी 16 पे, ऐसे ई 5 पे आता है तो सी 3 पे। इसी तरह शॉर्ट को, तो एस कितने पे आता है हमारा, एस आता है, तो ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड फॉर द, मतलब लास्ट अक्षर पूछ रहा है शॉर्ट का, जो लास्ट अक्षर है वो क्या होगा, तो टी कितने पे आता है 20 पे, तो 20 में से 2 गए 18, तो आर हो जाएगा आंसर, आर इज द राइट आंसर। आर कितने पे आता है हमारा 18 पे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको अगर ये पेपर डाउनलोड करना है तो आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो जाके, ये वेबसाइट दी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो दिया है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू। क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं है, इसमें वाटरमार्क आ गया है, तो आप देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन भी देख लीजिए कौन सा सही है। तो इसकी जो नॉन टेक की क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पे भी चल रही हैं, आप जाके देख सकते हो। एक बार आप इसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी देख लो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डिलीटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये देख लीजिए आप, सारे क्वेश्चंस दिए हैं स्क्रीनशॉट लेके, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। आपका टेक्निकल पार्ट हो गया, उसका सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो ये आप देख लीजिए, ओके। ये पूरा दिया है, और जो अभी ये वैकेंसी निकली है इसकी मैंने पूरी डिटेल डाल दी है, ठीक है, पहली वीडियो बनाई है पूरी डिटेल के बारे में, ठीक है, पूरी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
फीस कितनी भरी जाएगी, कब से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म कब, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस की भी वीडियो बनाइए, क्या क्या सिलेबस है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, ओके, तो आप देख सकते हो जाके। और उसकी भी वीडियो बनाई है मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे पे ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।